नमस्ते दोस्तों, आज हम SSR कर रहे हैं, सिंपैथेटिक स्किन रिस्पांस, जिसको गालुंडी रिस्पांस भी बोलते हैं। ये स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी में करते हैं, जैसे किसी को शुगर हो गया या किसी को पेन हो रहा है, लोअर लिम में जलन हो रही है या हाथों में हो रही जलन, तो उसके लिए SSR करते हैं, सिंपैथेटिक स्किन रिस्पांस। तो आओ जैसे कैसे करते हैं बताते हैं। SSR स्टार्ट करने के लिए पहले यहाँ से ये स्टैंडर्ड जो NCB, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो है ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये SSR आया है। तो ये देखो, ये बायलेटरल आता है, दोनों साइड ए और बी है। तो ये हैंड का है और ये लोअर लिम का है, तो हम साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकते हैं लोअर लिम अपर लिम का, और अलग अलग भी कर सकते हो आप। तो पहले हम करेंगे दोनों एक साथ, कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। तो SSR करने के लिए हमको ये पाम पे लगाएंगे पहले, ये एक्टिव यहाँ लगेगा पाम पे। पहले इसको अच्छी तरह साफ करना है हमको न्यूप्रेप जेली से, ये न्यूप्रेप जेली, इससे अच्छी तरह साफ करना है यहाँ, और डोर्सल हैंड पे भी, इधर इस साइड में दोनों साइड साफ करके, यहाँ एक्टिव लगेगा, यहाँ रेफरेंस लगेगा बीचों बीच, और ग्राउंड यहाँ कहीं भी लगा दो आप। और पैरों के लिए यहाँ रेफरेंस लगेगा और डोर्सल पे रेफरेंस लगेगा, और एक्टिव लगेगा यहाँ पीछे इस साइड में, ठीक। इसके लिए आप अगर दोनों का एक साथ कर रहे हो आप, अगर तो इसमें देखो दो चैनल लीड लगेंगे, एक्टिव, ये एक्टिव, दो एक्टिव हो गए, ये रेफरेंस और रेफरेंस और कॉमन ग्राउंड हो गया ये, अगर साइमल्टेनियसली कर रहे हो हाथ का और पैर का। अगर अलग अलग करोगे तो ये दो लीड नहीं लगेंगे, ये निकाल देना, सिर्फ सिंगल सिंगल करना। तो आपको अभी मैं साइमल्टेनियसली बताता हूँ। हमने लीड सेटअप कर दी है, हैंड का लगा दिया है, हैंड का लग गया है और फुट का भी लग गया है। अब स्टिमुलेशन चाहे आप यहाँ दे दो, चाहे आप यहाँ दे दो, एक जगह देना है और दोनों जगहों का रिस्पॉन्स आएगा। चलो स्टिमुलेशन करके देखते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हो, ये निकाल के सिंगल भी कर सकते हो और डबल भी कर सकते हो, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो कंडक्शन के लिए ये है, ये किया, पेशेंट को बताना है थोड़ा करंट लगेगा, कैसे ही करना है, सुप्रा मैक्सिमल जाना है, तो 10-15-16 सुप्रा मैक्सिमल होता है। बंद कर। तो ये आया है, ये अपर का आया है, अपर लिम का, राइट हैंड का, आइए राइट लोअर लिम का। तो आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं और एक के साथ भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो। इसका नॉर्मल लेटेंसी जो होता है अपर लिम की होती है 1.5, उससे नीचे होनी चाहिए, और एम्पलीट्यूड होना चाहिए 1 ms तक। और लोअर लिम का लेटेंसी जो होती है वो होनी चाहिए 2.5 से नीचे, और एम्पलीट्यूड होना चाहिए 0.5 से ऊपर, इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर इससे कम आता तो उनको मतलब स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी हो सकता है। धन्यवाद।